पैसों को अच्छे से यूज करना. डोंट वरी, आई विल. लालची लोमड़ी. सब्जी के रेटों में तो आग लगी पड़ी है. हिसाब लिख लेती हूँ वरना भूल जाऊंगी फिर से. बड़ी महंगी हो गई है सब्जियां. ये तो बजट से ऊपर चला गया सारा खर्चा. कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो सारे महीने का हिसाब बिगड़ जाएगा मेरा. भाई मेरे ना 5,000 लगा दे तू आज, ठीक है? हाँ हाँ, अरे उछाल आया ना मार्केट में 150 पॉइंट का, तो बस बात खत्म. ले ले, चाय पी ले गर्मा गर्म. ओए मम्मी चाय छोड़ो, आज ना मार्केट 150 पॉइंट ऊपर उछली है. कहाँ उछल गई? चांद पे. छोड़ो आप, अपने ना कुल मिला के 4,000 रुपए बन गए हैं. हैं? सबकी अपनी अपनी किस्मत है, कोई पहलवान तो कोई परेशान. पापा जी मेरे भी करा दो ना ओके रिपोर्ट. ऑफिस चल बानी, लेट हो जाना है तो आज नाश्ता बाहर से मंगा ले. कुलचे मंगा ले. मैं खिलाता हूँ कुलचे. हाँ हेलो, मैं अभी आया. ये बानी भी ना सबका इतना ख्याल रखती है, अपना ख्याल करना भूल जाती. राजन पुत्र ये देख, बानी ना अपना टिफिन भूल गई, उसको दे दियो जरा. ऐसी जगह काम करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें. सॉरी, मुझे माफ कर दो. मैं काम करूंगी. मम्मी वो बाहर से कुछ खा लेगी. मुझे जरूरी काम है. अब रजत इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया आजकल? 4,000 का प्रॉफिट और जो 10,000 डुबोए हैं तुम्हारे इस निकम में, उसका क्या? बोल कहां से भरेगी तू? बोल कौन देगा ये पैसा? बोल कोई पैसों वैसों का लफड़ा लग रहा है मुझे तो. वो दिलावर सवेरे सवेरे बहुत चिल्ला रहा था नंदू पे. पे मैंने खुद देखा अपनी आंखों से. शायद मारता भी होगा उसे. वो तो हर रोज मारता है नंदू को. पूरे मोहल्ले को पता है कि नंदू का किसी के साथ चक्कर है. चुप कर पैड़ी शक्ल वाली, मुंह ठीक कर अपना. वो बेबे के कहने का मतलब है कि पैड़ी बुद्धि हो जाएगी अगर फेस पैक खराब हो गया, इसलिए आप चुप ही रहो, है ना? ओ पूनम, मेरी ना बोतल मुक गई है. मिशन को बोलना शाम को आते वक्त लेता है. बोल दूंगी बेबे, लेकिन आप देखो तो सही, इस महीने का पूरा हिसाब बिगड़ गया. देखो जरा. अरे कारे सुनो, जब भी मैं बोतल खोलने की बात करती हूँ तो इसको खोल के बैठ जाती है. ओ शिल्पा, तू क्या बता रही थी नंदू के बारे में? हाँ बेबे, वो सॉफ्टली ने ना शेयर बाजार में 10,000 डुबा दिए थे. वो अपने पति को तो वो बता नहीं सकती थी, इसलिए वो मेरे पास आई थी मांगने के लिए. तूने दे दिए? ओ मम्मी जी, देने के होने भी तो चाहिए ना. वैसे मम्मी जी एक बात बोलो, ये ना उनका पर्सनल मैटर है, आप बीच में मत पड़ना. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आस्था के बात पे डैडी जी पहले से ही गुस्सा है. अगर किसी और के मैटर में आपने बोला तो समझते ना. ओ पूनम, पहली बार इसने कोई अकल की बात की. वैसे था मेरा मिशन ना गुस्सा करता नहीं है, पर जब करता है तुझे पता है ना कि कैसा करता है. लो मैडम आपकी जूती. थैंक यू. कोई नहीं जी, मैं उठा देती हूँ. ये लो आपका बैग और ये आपके पैसे हैं. इसमें तो 2,300 कम है. कहाँ गए? मैं 15,000 लेके आई थी घर से. आप एक मिनट में चेक कर लो, मैं गिन लेती हूँ. इसमें तो सच्ची 2,300 रुपये कम है. एक मिनट, आप 15,000 लेकर आए थे ना? 1,500 की अपनी जूती ली, बच्चे 800, आपने बाहर कुछ खरीदा था?
हाँ 200 के मशरूम और 500 की पेस्ट्रीज. 700 बचे 100. अरे हाँ 100 रुपए मैंने ऑटो के दिए थे. लो जी हो गई ओके रिपोर्ट पूरे है ना. कमाल की हो तुम. हमारी वाणी कैलकुलेटर से भी तेज हिसाब लगाती है. तो यहाँ क्या कर रही है, तुम्हें तो बैंक में नौकरी करनी चाहिए. मैडम जी इन टूडेज वर्ल्ड नॉलेज एंड टैलेंट नो इम्पोर्टेंट, ओनली डिग्री इम्पोर्टेंट. और बस वही नहीं है मेरे पास. आज के जमाने में पैसा कमाने के लिए डिग्री नहीं दिमाग होना चाहिए. टूडेज वर्ल्ड नो हार्ड वर्क ओनली स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क. यस थैंक यू जी. लो वाणी तुम्हारी कमीशन 200 रुपए. थैंक यू. स्मार्ट वर्क. अब मैं इन पैसों से ना कुछ स्मार्ट वर्क ही करूंगी. अगर 400 के ऊपर गया तो कभी भी कोमा में जा सकते. किशन जी को हॉस्पिटल आके एक टेस्ट करवाना होगा. देखिए मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन इनकी रिपोर्ट देख के एक बात जरूर कह सकता हूँ कि इनको आज से बल्कि इसी पल से मीठा बंद करना होगा. और ये भी वो बेबी चाय का पूछ रही है. चाय पी सकते हैं? जी नहीं चाय भी नहीं और ये भी नहीं. ये सब तेरी बीवी का क्या धरा है? ये मेरी सुबह की चाय है, शाम की जूस सब कुछ छुड़वाई गई है? पापा जी ये तो रब की मेहर है जो हमें टाइम से पता लग गया. सोचो अगर अगर अभी भी हमें ना पता लगता तो. पापा जी बस थोड़ा सा परहेज ही तो करना है और डॉक्टर से मिलकर इलाज शुरू कर देंगे. बीमार नहीं हूं मैं, मुझे किसी इलाज विलाज की जरूरत ही नहीं है समझी. बेकार के फालतू के खर्चे. जी यहाँ आने के लिए मान गए. बस पापा जी करे सब कुछ ठीक हो जाए. देखिए आज से मीठा बिल्कुल बंद और स्ट्रेस तो आपको बिल्कुल नहीं लेना. मीठा ना खाने से बढ़कर और स्ट्रेस क्या हो सकता है जिंदगी में. मीठे से भी ज्यादा खतरनाक होता है स्ट्रेस. डायबिटीज का मेन रीजन ही स्ट्रेस होता है. फिर तो मम्मी जी को भी रिक्स है ना. नाश्ते में क्या लेते हैं आप? नाश्ता तो मैं एकदम लाइट ही प्रेफर करता हूँ जी. 4-5 आलू के परौंठे, आधा किलो दही, बहुत हुआ तो बाद में 2-3 चाय, बस ज्यादा नहीं. ये लाइट है. देखिए आज से आपको सिर्फ मेथी के परांठे खाने हैं, वो भी सिर्फ 2. अब आपका एक TMT ट्रेडमिल टेस्ट होगा. ये कौन सा टेस्ट है भैया? और कौन मैंने और कोई टीका शिका नहीं लगवाना है. डैडी जी ट्रेडमिल टेस्ट में टीका नहीं लगता. इनका कोई भरोसा नहीं है. मैं जा रहा हूँ. कन्ना साहब मैं जा रहा हूँ. मैं कन्ना साहब रुको तो सही. कराना है. एक मिनट. बेकार में तुम कहाँ लेकर आ गए हो यार. तुम ये बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों कहा कि मम्मी को भी रिस्क है?
किस बात का स्ट्रेस है उन्हें? यहाँ से ना सीधा जाएंगे ना, आंखों के डॉक्टर है, दिखा दीजिए अपनी आंखें। क्या? हाँ, दिखाई जो कम दे रहा है आपको। मतलब? मतलब ये कि किसी को दिखाई नहीं देता है कि मम्मी को कितनी फिकर होती है, कितनी टेंशन में रहती है। पूरा दिन वो अपनी लाल डेरी में कुछ ना कुछ जमा घाटा करती रहती। आप लोग तो अपनी तनख्वाह लाकर दे देते हो उनको, कभी आज तक पूछा है उनसे कि गुजारा कैसे कर रही है? 11 बंदे हैं घर में और कमाने वाले सिर्फ दो। उनको भी लगता है कि सब ठीक है, इस बात की कमी है। हिसाब करना ना उनकी आदत है, हमेशा से करते आई हैं। इसमें स्ट्रेस कहां से आ गया? सब कुछ तो ठीक है, क्या कमी है हमें? क्यूज में सर, एक मिनट आइए। जी। आपका कौरव भैया आस्था दीदी और ख्याल से कुछ हुआ, थोड़ी सी और मेहनत कर लेना तो कितना आराम हो जाएगा मम्मी जी को, कितनी आसानी से उनका रोजमर्रा की जिंदगी चलेगी। पर नहीं, इनको तो लगता है कि सब ठीक है, किस चीज की कमी? कम में जीने की ना आदत पड़ चुकी है इन लोगों को। मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। हो गया तेरे पापा जी का चेकअप? नहीं, चल रहा है अभी। अच्छा अच्छा सुन, वो मैंने डॉक्टर सेठी से बात की थी, मन्नत की दवाई एक दो दिन में आ जाएंगे, पैसे अरेंज कर लिए हैं ना? देख बानी, मुझे पता है तूने सोचा था कि रजत से शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाला जरूरत देता है ना तो हिम्मत भी खुद ही देता है। तो फिकर ना कर, मैं कर लूंगी पैसों का जुगाड़, मुझे पता है। हाँ ठीक है, अभी आ रही। ठीक है बानी, मैं चलती हूँ, इमरजेंसी है। हाँ ठीक। पापा की सर्जरी यार 1.5-2 लाख का खर्चा आएगा, तो एक काम कर, मेरे जो सेल्को वाले शेयर से ना उनको बेच दे। हाँ हाँ मुझे पता है सेल्को अभी बहुत ऊपर जाने वाला है, लेकिन अभी मजबूरी है, क्या करूँ। शेयर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।